तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में ये शुरू किया था एनाटॉमिकल पोजीशन, सो वी विल रिवाइज इट वंस अगेन क्विकली। किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन, कोई भी एक जना, लिखा हुआ है सामने। हाँ सर, द एनाटॉमिकल पोजिशन इज ए स्टेराइज मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग ऑफ इमेजिंग द बॉडी दैट अलाउज क्या प्रेसियस एंड कॉन्स्टेंट एनाटॉमिकल रेफरेंस। मतलब हुआ इसका? मतलब मतलब क्या कि हुआ इसका? जैसे वेरी गुड, ट्राई करो, मैं जैसे हूं साथ में। हाँ इसमें दिखाया जा रहा है, ये एक इमेजन है, बॉडी की इमेजन दिखाई जा रही है, हाँ तो बॉडी की इसको एक मतलब इमेज है। हाँ तो इसको देख के अपन ये समझ सकते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, कैसे मतलब खड़ा हुआ जाता है। हाँ ये देखो, ये पोजीशन लेटने में भी हो सकती है, खड़े होने में भी हो सकती है, पर इससे हम बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना उनका पोजीशन समझ सकते हैं कहाँ होगी। हाँ ठीक सर, है ना? तो ये एक हाँ स्टैंडर्ड पोजीशन है, जैसे एक बोलते हैं ना बैठने का सही तरीका क्या है, ठीक है ना, खड़े होने का हाँ सही तरीका खड़े क्या है। होने तो का ये एनाटॉमिकली खड़े होने का ये तरीका है, जिसमें पाम जो है वो सामने की तरफ होते हैं, अपनी हथेली सामने की तरफ होती है और आंखें सामने देख रही होती हैं, तो ऐसे सीधे खड़े होते हैं, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। इसमें हम आंख बंद करके भी हाथ से छू के पालपेट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है ना? तो एल्बो हमेशा इसमें सीधी रहेगी, नी सीधी रहेगी, कोहनी और घुटना सीधा रहेगा, कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे, हथेली सामने की तरफ रहेगी। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। सबको क्लियर है ये? यस ठीक है ना? स्टैंडिंग अपराइट, फेसिंग जी सर, द ऑब्जर्वर, आईज फेसिंग फॉरवर्ड, आंखें सामने की तरफ, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, आर्म जो है एट द साइड। आर्म वाला एरिया कौन सा होता है, कौन बताएगा? आर्म कहाँ से कहाँ तक होती है? सर ये मतलब यहाँ कंधों से लेके और भी जॉइंट आता है वहां तक। हाँ, कंधे से कोहनी तक। वेरी गुड, किसने बताया? वर्षा ने, अरे वाह, तो कंधे से लेके कोहनी के बीच का जो एरिया है वो आर्म, और फोर आर्म कोई और वर्षा के अलावा? फोर आर्म कहाँ से कहाँ कोहनी पे तक? लेकर, कोहनी से लेकर कलाई हाँ तक का इस। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम बेटा? जितेंद्र अग्रवाल। जितेंद्र, वेरी गुड, चलो अच्छा है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखो पोजीशंस एंड डायरेक्शंस। सो पोजीशन और डायरेक्शन क्या होता है? टर्म ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वन बॉडी पार्ट रिलेटिव टू अनदर। मतलब हम इन टर्म्स से उस बॉडी पार्ट की पोजीशन का पता लगा सकते हैं इन रिलेशन टू द अदर बॉडी पार्ट, हाँ दूसरे सर, बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में उस बॉडी पार्ट की पोजीशन कहाँ पर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर, यस सर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि शोल्डर, सॉरी, शोल्डर जो है वो लेटरल है और हमारी नेक जो है वो मीडियल है। ठीक है? मीडिया। हाँ, तो मिड लाइन के पास वाला स्ट्रक्चर मीडियल, मिड लाइन से दूर वाला लेटरल। ठीक है ना? तो टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वन बॉडी पार्ट रिलेटिव टू अनदर। तो शोल्डर को हमने किसके कंपैरिजन में लेटरल बोला? नेक के कंपैरिजन में। नेक हाँ, तो ऐसे हम एक बॉडी पार्ट से कंपेयर करके दूसरे बॉडी पार्ट की पोजीशन को यहाँ पे बता सकते हैं। तो इट इज यूजुअली अलोंग वन ऑफ द थ्री मेजर बॉडी प्लेन्स। तो ये जो पोजीशंस होती हैं, डायरेक्शन होती हैं, ये बॉडी के तीन मेजर प्लेन होते हैं, उनके हिसाब से करनी है, उनके हिसाब से ये पोजीशंस होती हैं। ठीक है? तो थ्री मेजर बॉडी प्लेन हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब हम आते हैं पोजीशंस एंड डायरेक्शंस पे। हमने पढ़ा था सुपीरियर मतलब टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर यस सर, मतलब टुवर्ड्स द फीट। पीठ। ठीक है? हाँ, तो जो जितना सर की तरफ है वो उतना सुपीरियर है, जो जितना पाँव की तरफ है वो इतना इंफीरियर। इंफीरियर। ठीक है ना? तो शोल्डर और नी में से, शोल्डर और अगर अपन नी लें तो शोल्डर और नी में से सुपीरियर कौन सा है शोल्डर, और इंफीरियर नी, नी?
नहीं, ठीक है, वेरी गुड। सब बच्चों को बोलना है, बच्चे अनम्यूट करके, तभी समझ में आएगी एनाटॉमी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, सब सब अनम्यूट कर लो, जब भी मैं बोलूं तो कोई भी बोल सकते हो आप आंसर। अब बताओ, नी और एंकल में से सुपीरियर कौन सा है? नी तो सुपीरियर है, वो एंकल इनफेरियर। है, वो इंफेरियर हाँ, अब देखो, नी पहले क्या था? इंफीरियर। शोल्डर और है। नी हाँ, के कंपैरिजन में नी इंफीरियर था, पर नी और एंकल के कंपैरिजन में नी क्या हो गया? सुपीरियर सुपीरियर। सुपीरियर। सुपीरियर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सुपीरियर इंफीरियर अपने को क्लियर है। अब हम आते हैं, देखो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, आगे से पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। पीछे मैंने ये की बताया भी था, देखो, ए से आगे, पी से पीछे। समझ में आ रहा है? हिंदी में लिखोगे आगे तो ए से लिखोगे ना, तरफ। तो ए से आगे याद रखना, पी से पीछे, हमेशा कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो एंटीरियर रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन फ्रंट, आगे की तरफ, देन एनी अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। पोस्टीरियर बॉडी रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन बैक, पीछे की तरफ। तो अब बताओ, अपन एग्जांपल लें ईयर का और नोज का, कान का और नाक का, नोज तो कौन सा इंटीरियर है? नोज इंटीरियर, नोज नोज क्या है? एंटीरियर इंटीरियर एक जना, जितेंद्र बोलो, उसे तो सुनाई नहीं दे इंटीरियर रहा। हाँ, नोज क्या है? एंटीरियर। और ईयर क्या है उसके? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। अब अगर बालों को देखें तो बाल और ईयर, हेयर्स और ईयर में से कौन सी एंटीरियर हो गया बेटा? पोस्टीरियर बाल और ईयर में से एंटीरियर कौन सा है? सर, ईयर होगा। ईयर, ईयर ईयर इज एंटीरियर। समझ में आ रहा है? ईयर 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 आगे है, होगा, बाल पीछे है। ठीक इंटीरियर है, क्लियर? एंटीरियर पोस्टीरियर भी, तो बाल तो पोस्टीरियर टू ईयर है, ईयर एंटीरियर टू इंटीरियर टू हेयर है हेयर। ना? ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपन आते हैं मीडियल एंड लेटरल। तो मीडियल एंड लेटरल भी अपन समझ चुके हैं कि जो चीज जितना मिड लाइन की तरफ होगी वो मीडियल, जो चीज जितना मिड लाइन से दूर होगी वो लेटरल। ठीक लेटरल। है ना? शोल्डर और नेक पे हमने समझा हुआ है ये चीज, शोल्डर लेटरल है और नेक जो है वो मीडियल है। फिर हम आते हैं, देखो, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। ये जो पोजीशन है डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, ये सिर्फ इन रिलेशन टू एक्सट्रीमिटी होती है, अपर लिम और लोअर लिम में होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्रंक में नहीं होता और कहीं नहीं होता। ठीक है, सो डिस्टल इज रेफरेंस टू द एक्सट्रीमिटी ओनली। तो एक्सट्रीमिटी क्या है हमारे? अपर लिम एंड लोअर लिम। सो रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम देन अनदर स्ट्रक्चर इन द लिम। तो देखो, यहाँ रूट लिम लिखा हुआ है, तो अपर लिम की रूट क्या हो गई? ये कौन सा जॉइंट है? अपर लिम की रूट, जहां रूट लिखा है हाथ में, सर, कौन सा जॉइंट है ये? जोड़ कौन सा है? मीडियल बेटा अभी बताया था, ये कौन सा जोड़ है, जॉइंट कौन सा है ये इसके नीचे, जहां से हाथ जो है वो ट्रंक से जुड़ रहा है, ये जॉइंट कौन सा है? नाम क्या है इस जॉइंट का? शोल्डर हाँ बोलो, कौन बोला अभी जोर से? जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, वेरी गुड। तो और ये जो लोअर लिम जहां जुड़ रहा है ट्रंक से, हमारे पैर जहां जुड़ रहे हैं ट्रंक से, वो कौन सा जॉइंट है? हाय जॉइंट, हिप जॉइंट, हिंदी हिंदी में भी बोल सकते हो बेटा, हिप जॉइंट। ठीक है, ठीक हिप जॉइंट, है ना? कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़, समझ में आ रहा है? शोल्डर। तो ये रूट यस रूट रूट क्यों बोला इसको? कि अपर लिम की ये जड़ है, यहां से लिम खत्म हो शुरू होता है, अपर लिम यहाँ से शुरू होता है और लोअर लिम हिप जॉइंट से शुरू होता है, एच आई शुरू पी होता हिप। ठीक है, है। अब यस ये सर। डिस्टल क्या बोल रहा है? रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट। जो स्ट्रक्चर जितना रूट से दूर है वो उतना क्या हो जाएगा? डिस्टल। समझ में आया? तो हमारी यस सर।
अपर लिम में सबसे डिस्टल क्या हुआ? सबसे डिस्टल क्या है अपर लिम में, हाथ में? थिंक फिंगर्स, फिगर देख के बताओ, सामने दिख रहा है आपको? फिंगर्स, डिजिटल, फिंगर्स, फिंगर्स, वेरी गुड। ठीक है, तो फिंगर्स हमारी सबसे डिजिटल है। अब प्रॉक्सिमल क्या बोल रहा है? रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द रूट। तो जो स्ट्रक्चर जितना रूट के क्लोजर है, जितना रूट के पास है, वो उतना क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल। समझ प्रॉक्सिमल, में आ गया प्रॉक्सिमल और डिस्टल? यस यस सर, सर, लोअर लिम में भी सेम है, अपर लिम में भी सेम है। जो सेम है। जितना रूट की तरफ है वो प्रॉक्सिमल है। पास, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास। तो याद रखो, रूट के पास जो है, ठीक है ना? तो रूट के पास वाला प्रॉक्सिमल, रूट से दूर, डी से दूर, डी से डिस्टल। देखो आपको पढ़ाते टाइम नई नई डिस्टेंस चीजें पता चल रही है मुझे भी। डिस्टल दूर, दूर से याद रखना, तो रूट से दूर होगा तो डिस्टल। आ गया समझ में? सर। तो अब बताओ मेरे को, यहां मैंने मार्क किया है, दिख रहा होगा, एल्बो यस और रिस्ट में से प्रॉक्सिमल कौन सा है? एल्बो और रिस्ट में से, हाँ, एल्बो, रूट, एल्बो सर, रूट की तरफ क्या है? एल्बो। तो एल्बो प्रॉक्सिमल हो गया और रिस्ट क्या हो गई? डिस्टल। डिस्टल, डिस्टल, पर रिस्ट और फिंगर्स में से अब प्रॉक्सिमल क्या है? रिस्ट और फिंगर, रिस्ट, डिस्टल, रिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नीचे आ जाओ लोअर लिम में। लोअर लिम में अगर अपन नी और एंकल को कंपेयर करें तो डिस्टल कौन सा है? नी और एंकल में से एंकल, डिस्टल, एंकल, एंकल। एंकल, और एंकल और टोज में से डिस्टल कौन सा है? टोज, टोज। एंकल और टोज में से टोज, डिस्टल कौन सा है? टोज, टोज। वेरी गुड, वेरी गुड। टोज, मीडियल प्रॉक्सिमल डिस्टल क्लियर है? यस सर, कोई यस भी, सर, कोई भी यस जना सर, जिसको क्लियर ना हो, सबको क्लियर है ना? यस सर, ठीक है, हम अपन आगे चलते हैं। सर। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल इन्होंने यहां भी समझाया। देखो हमारा जो स्केलेटन है, पूरा हड्डियों का जो ढांचा है, आवर स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल मतलब एक्सिस, किसी भी चीज का एक्सिस कहाँ होता है? बीच में। बीच, ओके बच्चे, मैं ना इंग्लिश बीच बीच में यूज करूंगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स और बुक्स वगैरह सब कुछ इंग्लिश में है। ठीक है, बेसिक इंग्लिश मैं यूज करूंगा, हिंदी भी यूज करूंगा, तो ताकि आपको समझ में आए कि उस चीज की इंग्लिश क्या होती है। तो जहां भी समझ में नहीं आए फिर भी आप मुझे बता देना। ठीक है, तो व्हेन यू डिवाइड द स्केलेटन इनटू एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर का मतलब होता है साइड्स में। ठीक है, यस यू सर, कैन बेटर अंडरस्टैंड द एक्सट्रीमिटी एंड देयर रूट्स। तो यहाँ देखो, एक्सियल स्केलेटन, द स्केलेटन विच इज इन द सेंटर, उसको किस कलर में दिखाया है? ब्लू, ब्लू ब्लू, कलर में। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है साइड्स वाला, उसको येलो, येलो। येलो, येलो। अब रूट बताओ, रूट क्या हुई? रूट क्या हुई? रूट कहाँ पर है? कोई भी एक जना, शोल्डर जॉइंट हाँ, शोल्डर जॉइंट पे पे, तो है, शोल्डर जॉइंट पे तो है। इस फिगर के हिसाब से, एक्सियल और अपेंडिकुलर के हिसाब से बताओ रूट कहाँ होगी? अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर पे है। पर सर। सर समझो, जहां पर रूट का ब्लू मतलब क्या कलर है? में, ब्लू और येलो कलर जहां पर मिलते हैं, रूट क्या हुई? अच्छा, ठीक है, जहां दोनों स्केलेटन रूट मिलते हैं। समझ मिलते हैं, में आ गया? ठीक मिलते हैं, है, यस रूट हाँ, क्या हुई? जहां पर येलो वाला ब्लू से जुड़ रहा है। अभी बताया था जहां पर हाथ जो है वो ट्रंक से जुड़ता जुड़ रहते हैं, है ना? तो अब यहां पर देखो, ब्लू और येलो कलर कहाँ कहाँ जुड़ रहा है? एक तो शोल्डर ज्वाइंट पे जुड़ रहा है, यस सर, दिख रहा है सबको? हाँ स्कैपुला बोन होती है वो, पीछे यस, वाली जो शोल्डर ब्लेड बनाती है पीछे की हाँ तरफ, वो स्कैपुला बोन होती है, तो वो जुड़ रही है देखो रिब्स के साथ हमारे। तो वो कौन सा है? यहाँ पर ये इसकी अपर लिम की क्या हो गई? रूट हो गई। और रूट, नीचे देखो, सैक्रम बोन है, मैंने बताया था ना वर्टिब्रा में लास्ट में कौन सी बोन होती है? सैक्रम। तो सेक्रम बोन, ये सैक्रम बोन हिप बोन के साथ जुड़ रही है,
तो ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया। समझ में आ गया? सर। तो इस डायग्राम के हिसाब से, इस पिक्चर के हिसाब से रूट कहाँ है, जहां पर एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन मिल रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन यू डिवाइड द स्केलेटन इनटू एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द एक्सट्रीमिटी एंड देयर रूट्स। तो रूट लिखा हुआ है, देखो जो चीज रूट के पास है वो पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल, और जो चीज रूट से दूर है वो, डिस्टल डिस्टल। ठीक है। सबको समझ में आ गई ये चीज? यस कोई भी पूछे अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, द स्केलेटन ऑफ आवर लिम्ब्स, अपर लिम एंड लोअर लिम का जो स्केलेटन है दैट इज नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन, और वो स्केलेटन जो बॉडी के सेंटर में होता है वो क्या कहलाएगा, एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन। क्लियर है? स्केलेटन। हमारे अपर लिम एंड लोअर लिम की बोन्स जो हैं वो तो बनाती है कौन सा स्केलेटन, कोई भी अपर लिम लोअर लिम बोन्स कौन सा स्केलेटन बना रही है, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर। और हमारा ट्रंक जो है और हेड जो है जो मिड लाइन में है, ये कौन सा स्केलेटन बना रहा है, एक्सियल एक्सियल, एक्सियल। सारे वापस बोलो, एक्सियल, एक्सियल, ठीक है। जैसे एरियल आता है वैसे एक्सियल, ठीक है, एक्सियल, एक्सियल। ठीक है। तो यहाँ आर की जगह बस एक्स है। फिर अब आ जाओ पोजीशंस एंड डायरेक्शंस पे। तो अब अपन फिर से आ गए सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो ऊपर हो, जो ऊपर ऊपर हो। तो रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड अनदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो सरफेस के जितना पास है वो उतना सुपरफिशियल है। तो मेरे को बताओ अब सबसे सुपरफिशियल चीज क्या है, पूरे बॉडी में सबसे सुपरफिशियल चीज क्या है हमारे, स्किन, हेयर, बेटा फेस नहीं, कहीं भी पूरे बॉडी पे, कहीं कहीं की भी बात हो रही है, पूरे स्किन, बॉडी में कहीं की भी बात हो रही है, हमारी सरफेस के, बॉडी की सरफेस के सबसे पास में कौन सी चीज है, हेयर, हेयर। चलो ये तो, हेयर किसने बोला, स्किन, हेयर किसने बोला, नाम मैंने सर, नाम नाम बेटा, यहाँ मैंने भी स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है, जितेंद्र, नाम जितेंद्र। जितेंद्र ने, और कोई, और कोई कुछ बोल रहा है, स्किन भी बोला किसी ने, स्किन किसने बोला, आर्यन, नाम बोलो बेटा, आर्यन, आकाश, आकाश, आर्यन, वेरी गुड, ठीक है। देखो हेयर एवरग्रीन, जितेंद्र के हिसाब से जो हेयर है वो सबसे सही आंसर है, क्योंकि हेयर स्किन के भी ऊपर होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो सुपरफिशियल लेयर हमारे बॉडी की मानी गई है वो कौन सी है, स्किन। हेयर हर जगह नहीं होते, ठीक है, हेयर सर। जो है वो पूरे बॉडी पे हर जगह नहीं है, पर स्किन जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितेंद्र का बिल्कुल सही है, उसने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही समझा कि सबसे बाहर कौन सी चीज है, हेयर। पर एक्चुअल में जो सुपरफिशियल सरफेस मानी गई है बॉडी की वो क्या मानी गई है, स्किन, स्किन, ठीक है। तो जितेंद्र बहुत बढ़िया दिमाग लगाया बच्चे। तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो जितना स्किन के पास है वो उतना क्या है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल। जो जितना मिड कोर की तरफ है, हमारे बॉडी के सेंटर की तरफ जो जितना है वो उतना क्या हो जाएगा, डीप। समझ में आ रहा है? डीप क्या हुआ, रेफर्स टू स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द कोर ऑफ द बॉडी। कोर इज द सेंटर, कोर वर्ड किसके लिए यूज होता है, सेंटर के सेंटर लिए, के लिए। ठीक है। तो रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो सुपरफिशियल और डीप, क्लियर है? यस जो जितना बाहर की तरफ है वो सुपरफिशियल, जो जितना स्किन से दूर है, अंदर है, वो उतना डीप हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, देखो यहाँ एग्जाम्पल ये तो दिया हुआ है, देखो स्टर्नम, स्टर्नम बोन हमने पढ़ा था, चेस्ट में बीच में है, हमें फील होती है ऊपर से, ठीक है। सर।
स्टर्नम और हार्ट में से सुपरफिशियल कौन है? स्टर्नम। और हार्ट जो है वो स्टर्नम के पीछे है, तो वो क्या हो गया उससे? डीप। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही अब मुझे बताओ स्किन, स्किन और स्टर्नम में से सुपरफिशियल क्या है? स्किन। और स्किन के डीप, स्किन के पीछे फिर डीप क्या हो गई? स्टर्नम। वेरी गुड, क्लियर है ना ये चीज? तो कहीं भी हम बॉडी में पढ़ सकते हैं। अब जैसे हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट में स्किन क्या हो गई? सुपरफिशियल। और अपनी जो हिप जॉइंट जहाँ बन रहा है, बोन जहाँ मिल रही है, वो क्या हो गया? डीप। डीप, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर हम आते हैं देखो वेंट्रल एंड डॉर्सल। हाँ ये लास्ट है। तो जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर था ना बच्चे, yes, उसी की तरह वेंट्रल और डॉर्सल है, पर ये क्या है, अपर लिम और लोअर लिम में यूज होता है ज्यादा, ठीक है? तो वेंट्रल मतलब टूवर्ड्स द फ्रंट, आगे की तरफ, ठीक है? और डॉर्सल मतलब बैक, पीछे की तरफ, बैक, ठीक है? तो यहाँ देखो इन्होंने क्या दिया है, स्पाइनल कॉलम दिख रहा है पिक्चर में अपनी, यस सर, ब्रेन से नीचे आ रही है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कैविटी जहाँ लिखा है, ठीक है ना? यस। तो इसके आगे फ्रंट में क्या क्या हो गया देखो, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, एब्डोमिन और पेल्विस, पेल्विस बोन कौन सी है? हिप बोन। हिप बोन अभी अपन बोन्स भी पढ़ेंगे आगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये जो बोन है ना ये वाली, तो हिप जॉइंट के ऊपर मिल रही है, मैं दिखाता हूँ, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया, हाँ। ये कौन सी है? पेल्विक बोन। तो ये राइट साइड पेल्विक बोन, फिर लेफ्ट साइड की पेल्विक बोन। समझ में आ गया? यस सर। ये कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। खाली जगह, वेरी गुड। कैविटी मतलब खाली जगह, खाली जगह। तो यहाँ देखो थोरैक्स में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है ना, ये सारे ब्लू कलर के, हाँ। दोनों तरफ ये ब्लू कलर के रिब्स प्रेजेंट है। इन रिब्स के अंदर जो ये खाली जगह बची है, पूरी खाली जगह, ये क्या कहलाती है? हमने पढ़ा था थोरैक्स के अंदर थोरैसिक कैविटी। इसी में क्या प्रेजेंट है? हमारे लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है? तो वो सब कहाँ है? थोरैसिक कैविटी। फिर ये वाली, ये वाला जो पार्ट है अभी हमने पढ़ा, ये कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल कैविटी। पेट का जो नाम है एनाटॉमी में वो क्या है? एब्डोमन। सो एब्डोमिनल कैविटी। फिर अभी हमने पढ़ा ये नीचे वाला पेल्विस के बीच की जो जगह है, सैक्रम के सामने ये जो गोला सा दिख रहा है व्हाइट कलर का, जिसको मैंने अभी येलो कर दिया, ये पूरा पार्ट दोनों पेल्विस बोन के बीच का, ये क्या कहलाएगा? पेल्विक कैविटी। जहां पेल्विस और एब्डोमेन मिलते हैं वो क्या कहलाएगी? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। वेरी गुड, समझ में आ गया? कैविटी कहाँ कहाँ है? थोरेसिक कैविटी थोरेक्स में, एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमेन में, खाली जगह ये वाली, एब्डोमेन में, और दोनों पेल्विस बोन के बीच में पेल्विक कैविटी। वेरी गुड। तो अब हम आए देखो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ये सब कहाँ हो गई? स्पाइनल कॉर्ड के आगे है, तो क्या कहलाएंगी? वेंट्रल कैविटी। ये तीनों तो वेंट्रल कैविटी। अब पीछे की तरफ बैक में स्पाइनल कैविटी प्रेजेंट है, तो ये कहाँ, ये क्या कहलाएगी? डॉर्सल कैविटी। समझ में आ गया वेंट्रल डॉर्सल? हमने पाम में और फुट में भी पढ़ा था, जहां हमारी पाम होती है सामने की तरफ एनाटॉमिकल पोजीशन में, हमारी जो हथेली है वो सामने होती है, तो हथेली क्या है, वेंट्रल है या डॉर्सल है? वेंट्रल। हथेली क्या है हमारी, पाम क्या है?
वेंट्रल वेंट्रल तो पाम इज वेंट्रल और पाम के पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा डॉर्सल वेरी गुड ऐसे ही हमने फुट में पढ़ा था पाँव में फुट के अंदर जो हमारा सोल था वो क्या कहलाता है डॉर्सल नहीं 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 फुट जो है वो वेंट्रल है ठीक है फुट जो है वो वेंट्रल है और ऊपर वाला पोर्शन है डॉर्सल वो डॉर्सल जैसे पाम वेंट्रल है वैसे फुट में सोल भी क्या है वेंट्रल ये तुम्हें कैसे समझ में आएगा बच्चे हमारा जो पैर होता है मैं तुम्हें यही बता देता हूँ चलो ये बात की चीज थी कि हमारा जो लेग है लोअर लिम है वो ट्विस्ट हो जाता है जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो लोअर लिम क्या हो जाता है ट्विस्ट पूरा घूम जाता है आप अपर लिम से लोअर लिम को आप कंपेयर करो तो हमारी एल्बो जो है कोनी जो है वो बेंड किस तरफ होती है सामने की तरफ या पीछे की तरफ सामने की तरफ सामने की तरफ हमारा जो नी है घुटना है वो बेंड किस तरफ होता है पीछे पीछे की तरफ समझ में आ रही है चीज यस सर जब अपन एल्बो को बेंड करते हैं कोनी को बेंड करते हैं तो जो हड्डी दिखाई देती है वो कहाँ है पीछे की आगे है आगे 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 हड्डी प्रेजेंट कहाँ है वो हड्डी पीछे की आगे पीछे पीछे कहाँ है पीछे नी में नी को जब बेंड करते हैं तो नी की जो हड्डी है जिसका नाम पटेला है आगे. वो कहाँ प्रेजेंट है हाँ, वो आगे आगे फ्रंट समझ में आया एल्बो के सामने वाला एरिया हमने पढ़ा था क्या था क्यूबाइटल सामने वाला एरिया क्या था क्यूबाइटल और नी के पीछे वाला एरिया था पॉपलिटियल नी के पॉपलिटियल पीछे वाला एरिया क्या था पॉपलिटियल पॉपलिटियल इससे आप ये अंदाजा लगाओ कि जो चीज हाथ में सामने है वो चीज नी में कहाँ है पीछे अब लोअर लिम में वो चीजें कहाँ है सारी पीछे तो इसका मतलब क्या हुआ जब हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होता है हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी होता है जब हम डेवलपमेंट होता है बॉडी का माँ के पेट के अंदर बच्चा बनता है तो उस टाइम पे लोअर लिम जो है वो पूरा अपोजिट बनता है वो पूरा घूम जाता है लोअर लिम इज अपोजिट टू द अपर लिम समझ में आया यस सर यस सर इसीलिए लोअर लिम का वेंट्रल सोल जो है वो क्या कहलाएगा वेंट्रल और ऊपर वाला क्या कहलाएगा डॉर्सल क्लियर हो गई ये चीज यस सर एल्बो हमारी सामने की तरफ मुड़ती है नी हमारा पीछे की तरफ मुड़ता है और सोल जो है वो पीछे है जबकि पाम हमारी सामने ठीक है सामने तो ये हमारा लोअर लिम का जो सोल है वो वेंट्रल है और ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल है ठीक है यस सर वेंट्रल और डॉर्सल समझ में आ गया टूवर्ड्स द फ्रंट और एब्डोमन बेली मतलब एब्डोमन बीई डबल एल वाई बेली इज अनदर वर्ड फॉर एब्डोमन पेट को बेली Abdomen. So, towards the front is ventral, towards the back is dorsal. Dorsal. Okay. अब हम आते हैं directions पे कुछ positions पे जिसपे हम lie करते हैं तो ये है देखो prone, prone lying, lying face down. मतलब हम कैसे लेट रहे हैं face, face की तरफ हाँ फेस की तरफ हमारी एब्डोमन ऊपर है कि नीचे है नीचे तो नीचे नीचे, नीचे. नीचे. तो हम किस पे लेटे अपने पेट पे उल्टा लेटते ना हम पेट. Yes. हाँ, पेट उल्टा लेटना yes, हाँ पेट के बल लेटना तो वो क्या कहलाता है प्रोन प्रोन याद रखना पेट से देखो यहाँ भी अपना लिंक बैठ गया पी से प्रोन पी से पेट ठीक है यस सर ठीक है ना यहाँ भी अपना लिंक बैठ रहा है प्रोन से पेट तो पेट के बल लेटना क्या है प्रोन नहीं भूलेंगे ना कभी अब नो सर नो सर है ना अब आते हैं देखो सुपाइन सुपाइन में हम कैसे लेट रहे हैं किसके बल लेट रहे हैं बैक की तरफ बैक के बल पीठ के बल हाँ तो सुपाइन मतलब सीधा लेटना एस से सुपाइन एस से सीधा सीधा तो जब हम सीधा लेटते हैं हमारा फेस जो है वो ऊपर की तरफ होता है लाइंग फेस अप तो दैट इज सुपाइन लाइन ठीक है क्लियर है तो yes, अगर sir. हम किसी को बोलते हैं यू लाई डाउन इन प्रोन तो लाई डाउन इन प्रोन का मतलब कैसे लेटना है
एब्डोमेन की तरफ हाँ उल्टा पेट की तरफ, पेट को नीचे रख के, और अगर हम किसी को बोलते हैं यू लाई डाउन सुपाइन तो कैसे बोलना है, तो क्या लेटेगा वो? पीठ के बल। वेरी गुड, क्लियर है ये दोनों पोजीशन? यस सर। अब आते हैं यूनिलेटरल और बाइलेटरल। तो देखो यूनि वर्ड का मतलब होता है, यूनि मीन्स सिंगल, सिंगल सिंगल एक चीज, यूनि मीन्स सिंगल सिंगल, और बाई मीन्स डबल, बाई बाई मीन्स डबल, एक से अधिक, एक से अधिक नहीं डबल, ठीक है। बाई मीन्स डबल, ट्राई मीन्स T-R-I, try. Try means quadrilateral. Quadri means? चार. चार. क्या ये समझ में आ गया? तो uni means single, bi means double. दो. Double. हाँ, तो unilateral, lateral word का मतलब क्या होता है? Side में. जो बीच में ना हो, side में हो. ठीक है ना? बीच वाला तो medial, बाहर वाला lateral. Clear है? तो यूनिलेटरल पर्टेनिंग टू वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड को जब हम देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी? यूनिलेटरल। अब मान लो लकवा हुआ है किसी को और उसकी एक साइड में लकवा हुआ है राइट साइड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल या बाइलेटरल? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल, वेरी गुड। यूनिलेटरल। और अगर दोनों हाथों में हुआ है लकवा, दोनों पैरों में हुआ है, तो क्या कहलाएगा फिर वो? बाइलेटरल। बाइलेटरल। क्लियर है ये चीज? यस सर। जब हम किसी किसी एक साइड की चीज पढ़ेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड की, तो वो कहलाएगी यूनिलेटरल। जब हम दोनों साइड की पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगी? बाइलेटरल। बाइलेटरल, वेरी गुड। ठीक है, आज जो पढ़ा है इसमें से, अब ये देखो ये प्लेन्स का मैं इंट्रोडक्शन यहाँ दे देता हूँ। हमने पढ़ा था ना कि तीन बॉडी के प्लेन होते हैं, बेसिक थ्री बॉडी प्लेन्स होते हैं। तो बेसिक बॉडी प्लेन्स और सेक्शंस, दीज टर्म्स आर यूज फॉर प्लेन्स और सेक्शंस दैट कट द बॉडी ऑर्गन्स टिश्यूज और सेल्स। अच्छा, किसी ने MRI स्कैन CT स्कैन देखे हैं? नो सर। सीटी स्कैन देखा है, MRI किसी ने देखा हो? नो सर। किसी ने भी नहीं देखा, घर में किसी का भी नहीं हुआ कभी? नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान कभी ना करवाए, ठीक है। तो दीज टर्म्स आर यूज्ड फॉर प्लेन्स और सेक्शंस दैट कट द बॉडी। अच्छा, सीटी स्कैन जिसने देखा है उसमें क्या, किसका था वो? ब्रेन का था, कहाँ का था? ब्रेन का। तो उसमें एक ही ब्रेन की कितनी फोटो थी? काफी सारी थी ना? यस सर। सीटी स्कैन MRI स्कैन में क्या होता है, एक ही पार्ट की बहुत सारी फोटोज होती हैं, इमेजेस होती हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं। तो वो एक ही पार्ट की इतनी सारी इमेज क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं? अलग अलग टाइप से। अलग अलग टाइप से, और कोई नहीं सर, मतलब मशीन से ही लेती है। नहीं, मशीन तो लेती है सर, उसमें ना मतलब एक एक पार्ट को ना अलग अलग डिफाइन किया जाता है। हाँ, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आप लोगों ने ब्रेड देखी है? हाँ। ब्रेड खाते हैं ना अपन, सब ने ब्रेड खाया होगा, ठीक है। तो ब्रेड जब बनती है बेकरी पे, तब देखा है वो पूरी एक होती है, ठीक है। पूरा वो जो स्क्वायर होता है, वो पूरा रेक्टेंगल टाइप, वो पूरा एक ही होता है, ब्लॉक होता है, और फिर उसके वो स्लाइसेस कट करते हैं, ठीक है। अपने पास तो अपन जो लाते हैं वो कटी हुई आते हैं, स्लाइसेस कटे हुए आते हैं, पर जब वो बनती है वो पूरी एक ही होती है, और फिर उसके मशीन से वो स्लाइसेस कट करते हैं, समझ गए? तो ऐसे ही जब कोई भी CT स्कैन MRI स्कैन अपन ले रहे हैं, तो मान लो वो ब्रेन का है, तो उसने क्या किया, ब्रेन को किसमें कट कर दिया? टुकड़ों में। टुकड़ों में, स्लाइसेस में कर दिया। समझ में आ रही है चीज? यस यस। किसी को भी नहीं समझ में आया बच्चे तो पूछ लेना। तो जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, एक सिंगल ब्रेड थी, हमने उसके स्लाइसेस बना दिए,
हम एक तरफ से मान लो हमने राइट साइड से स्लाइसेस बनाने शुरू किए, तो राइट साइड से हमने शुरू किया और हम दूसरी तरफ तक चले गए, समझ में आया? ठीक है, एक तरफ से हमने चक्कू से एक स्लाइस काटा, फिर दूसरा काटा, ऐसे हम काटते हुए राइट साइड से लेफ्ट साइड तक चले गए। तो ऐसे ही एमआरआई और सीटी स्कैन क्या करती है, वो एक तरफ से स्लाइस काटना शुरू करती है और ब्रेन के दूसरे तरफ तक वो पूरा स्लाइस काटती है, समझ में आया? तो इसका क्या यूज क्या हुआ, इससे अपने को कैसे अच्छा डायग्नोसिस मिलता है कि मान लो ब्रेन के एक तरफ ही कोई प्रॉब्लम थी, पूरे ब्रेन में नहीं थी, मान लो सिर्फ राइट साइड में एक जगह पे क्लॉट था या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, अगर हम एक ही स्लाइस लेंगे तो हो सकता है उस स्लाइस में वो क्लॉट नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? मान लो राइट साइड में क्लॉट था और हमने ब्रेन की स्लाइस ले ली लेफ्ट साइड से, तो वो क्लॉट विजिबल होगा, वो क्लॉट दिखाई देगा हमें? नो सर, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो राइट साइड में क्लॉट है तो हमें राइट साइड से ही स्लाइस लेनी पड़ेगी, पर हमें पता नहीं है कि क्लॉट कहां पर है। तो सीटी स्कैन ने क्या किया, उसने पूरे ब्रेन की स्लाइसेस बना दी, तो जिस भी स्लाइस में जहां भी वो क्लॉट होगा वो विजिबल दिखाई हमें दे जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे ही अब ये जो प्लेन्स होते हैं ये हमारे बॉडी को कट करते हैं। तो जब हम वेरियस ऑर्गन्स पढ़ेंगे, बॉडी पार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ इमेजेस आएंगी जिसमें लिखा होगा दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब उसने ट्रांसवर्स प्लेन में उस चीज को काटा है और हम उसको देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर आएगा फ्रंटल सेक्शन, तो उसने क्या करा है, उस चीज को फ्रंटल प्लेन में काटा है और हम उसको देख रहे हैं। ऐसे ही सजाइटल सेक्शन, तो सजाइटल प्लेन में उसने उस चीज को काटा है और अपन उसको देख रहे हैं। क्लियर है? तो फ्रंटल प्लेन क्या होता है, देखो यहाँ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फ्रंटल प्लेन दिख रहा है बॉडी में, पिक्चर में दिख रहा है? यस सर। तो मैंने येलो कलर से मार्क भी कर दिया अभी। तो फ्रंटल प्लेन बॉडी को डिवाइड कर रहा है फ्रंट एंड बैक में, बैक में। आगे वाला हिस्सा फ्रंट, इसके पीछे वाला हिस्सा बैक, समझ में आ रहा है? फ्रंटल प्लेन, तो फ्रंट से याद रखना, फ्रंटल डिवाइडिंग द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। ओके, फिर आता है ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो सीधा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कैसे काट रहा है बॉडी को, सुपीरियर एंड अपर एंड लोअर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो ट्रांसवर्स प्लेन कट एनी पार्ट इनटू टू, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब आते हैं सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन पैरेलल है हमारी मिडलाइन के, मिडलाइन के बिल्कुल पैरेलल है, तो ये किसमें काटेगा बॉडी को, बताओ? मिडल और लेटरल, मिडल और मीडियल, या फिर सिंपल लैंग्वेज में राइट एंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, समझ में आया? राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट साइड, जो राइट साइड है राइट की तरफ है वो राइट साइड, जो लेफ्ट की तरफ है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फ्रंटल प्लेन कट्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक, ठीक है? ट्रांसवर्स प्लेन कट द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, या सुपीरियर या इंफीरियर पार्ट। एंड सजाइटल प्लेन कट्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। तो ये हम बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी ऑर्गन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी बॉडी पार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा सीटी स्कैन का एग्जांपल लिया था, तो उसने ब्रेन को कट किया था, तो सिर्फ ब्रेन को उसने मान लो सजाइटल सेक्शन में कट किया, तो वो कहां से गया, ब्रेन के राइट से लेफ्ट तक उसने ब्रेन के स्लाइस बना दिए और हमें दिखा दिए, समझ में आया? यस सर। सजाइटल प्लेन में कट किया ब्रेन को, मतलब राइट साइड से शुरू किया और लेफ्ट तक गया, ठीक है? अगर फ्रंटल प्लेन में कट करेगा ब्रेन को, तो ब्रेन के फ्रंट से शुरू होगी स्लाइस कटना और कहां तक जाएगी, बैक तक, बैक तक, फ्रंट से बैक तक, बैक तक। और अगर ट्रांसवर्स प्लेन में वो कट करेगा ब्रेन को, तो कहां से जाएगी, बाहर से, ठीक है, ब्रेन के बाहर से अंदर तक, नीचे तक, जहां तक ब्रेन खत्म होगा, ठीक है? चीज क्लियर अभी? यस सर। तो तीन प्लेन, फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन
ट्रांसवर्स। ठीक है बच्चे, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, इन प्लेन्स को हम फिर नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ लेंगे। तो आपको